आज हम जानेंगे एक लड़के लड़की की ऐसी प्रेम कहानी जो आपको रुला के रख देगी। तो ये कहानी एक 19 साल के लड़के की है जिसका नाम था सौरव। वो बहुत ज़्यादा होशियार और चंचल था। होशियार वो पढ़ने में इतना ज़्यादा था कि उसके यहाँ पे आसपास के लोग उसे एकदम अच्छा समझते थे। वह अपनी पढ़ाई गांव से दूर रहकर एक शहर में करता था। सौरव के कॉलेज में गर्मियाँ की छुट्टी तथा होली के त्यौहार के कारण उनके कॉलेज में छुट्टी होने वाले थे। वह कोलकाता शहर से अपना घर झारखंड के रांची ज़िला में आने वाला था। सौरव का घर रांची ज़िला में ही स्थित था। कॉलेज छुट्टी होते ही सभी लड़के अपने अपने घर की तरफ ट्रेन पकड़कर निकल चले थे। फिर उन्हीं में से सौरव भी अपने घर की तरफ जाने के लिए टिकट काउंटर पर अपना टिकट कटाने के लिए गया था। जैसे ही टिकट काउंटर पर गया था वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी, लेकिन दूसरी तरफ टिकट काउंटर के दूसरी लाइन में लेडीज़ मतलब कि महिला लोगों की लाइन लगी हुई थी। ट्रेन बहुत जल्द ही आने वाली थी जिसका हमसे सौरव को भी जल्दी में टिकट कटाने की ज़रूरत थी। वह जब टिकट काउंटर पर गया तो देखा कि बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण वह बहुत पीछे लाइन में लग गया था। सौरव को लग रहा था कि अब टिकट मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि ट्रेन आने में मात्र 10 मिनट ही बाकी थे और करीब 100 लोगों की लंबी लाइन लगी हुई थी टिकट काउंटर में। वह जल्दबाजी में टिकट कटाने के लिए कोई तरकीब सोच ही रहा था कि उसे एक लड़की दिखाई दी। वह लड़की भी ना टिकट लेने के लिए महिला वाली टिकट काउंटर वाली लाइन में लगी हुई थी। वह लड़की भी रांची जाने वाली थी और उनके पास पेन नहीं था टिकट फॉर्म भरने के लिए। ऐसे में सौरव की ऊपरी पैकेट में कलम देखकर वो लड़की कहती है कि कृपया मुझे थोड़ा सा कलम मिल जाएगा, मुझे भी फॉर्म भरना है टिकट खरीदने के लिए। उसके बाद सौरव कहता है मैं लिखने के लिए कलम तो दे दूंगा, लेकिन कृपया करके मेरी भी टिकट क्या आप काट दीजिएगा। तभी वो लड़की पूछती है कि आपको कौन सा स्टेशन जाना है। उसके बाद सौरव कहता है कि मुझे झारखंड के रांची स्टेशन तक जाना है। फिर उसने वह लड़की भी कहती है मुझे भी झारखंड के रांची डिस्ट्रिक्ट ही जाना है। फिर उसके बाद सौरव कहता है कि एक ही टिकट में मेरा भी नाम बाहर भर लीजिएगा, मुझे भी टिकट मिल जाएगा और मुझे भी जाने में आसानी होगी। लड़की बात सुन तो लेती है, फिर वो उसका भी टिकट कटा लेती है, लेकिन दो टिकट मिलना संभव नहीं था एक साथ, क्योंकि भीड़ ज़्यादा थी और यहाँ पे दिक्कत हो रखी थी टिकट की। फिर भी कैसे तैसे लड़की ने दोनों का टिकट लिया। फिर वो दोनों आराम से सीट पर बैठकर ट्रेन में जाकर सीट में बैठ गए आराम से दोनों। उसके बाद वो दोनों बातें करने लगे। हावड़ा स्टेशन से रांची स्टेशन जाने के लिए करीब करीब 8 से 9 घंटे लगते हैं और वह भी यह सफ़र रात का सफ़र होता है। वहीं वहाँ से ट्रेन है रात में ही चलती है। ऐसे में दोनों को बातचीत करने के लिए मौका मिल जाता है। दोनों अपनी अपनी सीट पर बैठकर दोनों एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। गाड़ी चलते ही थोड़ी देर होने के बाद वह लड़की कहती है कि मुझे खाना खाना है, मुझे भूख लगी है। तभी सौरव कहता है जी ठीक है आप खा लीजिए, मैं बाद में खा लूँगा, मुझे अभी भूख नहीं लगी है। इतना सुनते ही वह लड़की भी कहती है कि जब आप खाइएगा तो मैं भी खा लूँगी। तभी सौरव पूछता है कि क्या ऐसी क्या बात है कि जब मैं खा लूँगा तो आप भी खा लेंगी। तभी वह लड़की कहती है कि हम दोनों साथ में जा रहे हैं, मैं अकेले खाऊँगी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इस कारण से मैं जब आप खाएंगे तभी मैं भी खा लूँगी। दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है और उस लड़की का नाम पूछता है और वह लड़की अपना नाम शोभा बताती है। तभी वह लड़की कहती है कि मुझे तो आपका नाम पहले से ही पता था। उसके बाद सौरव कहता है कि आपको मेरा नाम कैसे पता चला। तुम ही शोभा कहती है तो शोभा कहती है कि आपने अपना नाम और उम्र टिकट बनाने टाइम मुझे बता दिया था। अभी सौरव कहते हैं कि मुझे तो यह पता भी नहीं हुआ, मुझे तो याद भी नहीं है कि मैं अपना नाम आपको कभी बताया भी होगा। तभी वह लड़की कहती है कि आपने तो बताया था, मुझे पहले से ही पता था। रात बहुत ज़्यादा हो जाता है, दोनों अपनी सीट पर सो जाते हैं। सुबह के 3 बजे नींद टूटती है, दोनों का नींद टूट जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद दोनों अपना अपना पानी का बॉटल लेते हैं और अपना जो है
फेस वगैरह वॉश कर लेते हैं, ब्रश कर लेते हैं और फिर से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। ऐसी बात करते करते सुबह के 6 बज जाते हैं। दोनों के ट्रेन अपना गंतव्य स्टेशन पर पहुंचने ही वाला था। दोनों सोचते हैं कि अब तो हमें एक दूसरे से अलग होना पड़ेगा। सौरभ को वह लड़की बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी, लेकिन जब उन्हें बोलने का समय आया तो वो बहुत ज़्यादा हिचकिचा रहे थे और सुबह को भी सौरभ पसंद आ चुके थे। लेकिन दोनों बिना कुछ बात किए एक दूसरे से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही ट्रेन रुकने वाली होती है वैसे ही लड़की मतलब शोभा और सौरभ दोनों अपना अपना सामान उठाते हैं और अपने घर की ओर चल देते हैं। जैसे ही सौरभ और शोभा दोनों अपना अपने घर पहुँचते हैं उसके कुछ देर बाद सौरभ के मोबाइल पर एक कॉल आता है। सौरभ अपना मोबाइल से कॉल रिसीव करता है और कहता है कि आप कौन बोल रहे हैं। कभी उधर से आवाज़ आती है कि मैं शोभा बोल रही हूँ। यह सुनकर सौरभ का मन विचलित हो जाता है और वह खुशी के मारे इधर उधर झूमने लगता है क्योंकि सौरभ को शोभा का नंबर और उसका कॉल देखकर उसे बहुत ज़्यादा खुशी मिली। तभी शोभा कहती है मोबाइल पर कि आप घर पहुँच लिए, अभी मैं भी 1 घंटे पहले घर पहुंच गई। उसके बाद सौरभ शोभा से पूछता है कि आपने अपना ये जो कॉल किया आपने वो कैसे किया, तो वो बोलती है कि आपने जो फॉर्म भरा था तो उसमें नंबर भी दिया था। अब दोनों में खूब अच्छी तरह से बातचीत होने लगी। अब दोनों रात भर बातें करते हैं। अब क्या होता है कि एक दूसरे से उनकी मित्रता और प्यार बढ़ने लगता है। एक दूसरे से मिलने के लिए एक दिन जरा सी स्टेशन पर बुलाया उन्होंने एक दूसरे को। स्टेशन के बाजू में एक पार्क था, वहीं दोनों एक दूसरे से मिलने का समय भी फिक्स कर चुके थे। फिर दोनों मिलकर खूब सारी बातें करते हैं और एक दूसरे को समझते हैं और इसी तरह से उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है। उसके बाद दोनों अपनी शादी के लिए अपने अपने घर वाले को कहते हैं। घर वाले दोनों के घर वाले से बातचीत करते हैं और शादी के लिए एक बार में राजी तो नहीं होते हैं, लेकिन उन दोनों के सच्चे प्यार को देखकर एक दिन उन्हें भी राजी होना पड़ता है। यह सुनकर सौरभ और जो शोभा थी उन दोनों का मन खुशी से झूम उठा और वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हुए और शादी की तैयारियाँ करने लगे। अब क्या होता है, ये दोनों शादी के बंधन में बन चुके थे और उनकी ज़िंदगी अच्छे से चल रही थी। तो ये था एक अजनबी से एक बंधन में बंधने तक का रिश्ता। तो ये स्टोरी आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए स्टोरी के साथ।